हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन से बेस्ट ऑप्शंस हो सकते हैं बीकॉम के बाद। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, जो रेड कलर में सब्सक्राइब बटन है आप उसे क्लिक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो आपको बेल का निशान दिखे, घंटी का निशान दिखे, आप उसे भी क्लिक कीजिए और नोटिफिकेशंस को ऑन कीजिए, जिससे दूसरी वीडियोज़ जो हम आपके लिए लेकर आते हैं उनके नोटिफिकेशंस आपके पास तक सबसे पहले पहुंचते रहें। और सबसे गुड न्यूज़ ये है फ्रेंड्स कि इस चैनल का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। हम इस चैनल पर आपके लिए हमेशा मोटिवेशनल, एजुकेशनल, करियर से रिलेटेड और जॉब ओरिएंटेड वीडियोस लेकर आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कैलाश और अब हम डिस्कस करते हैं उन ऑप्शंस के बारे में जो बी कॉम स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होते हैं। नंबर वन पर आ जाता है CA यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर आप CA करते हैं BCom के बाद तो आप को एक स्टेप स्किप कर सकते हैं, CA के कोर्स में एक स्टेप आप स्किप कर सकते हैं, उसे छोड़ सकते हैं और डायरेक्ट IPCC का एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। अगर आप CA बन जाते हैं और आपको अच्छी नॉलेज है तो आपकी मार्केट में बहुत अच्छी डिमांड है, आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। CA आप कर सकते हैं ICAI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से। कॉमर्स स्टूडेंट के लिए CA सबसे बेस्ट ऑप्शन समझा जाता है, तो आप भी इसमें अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। सेकंड नंबर पर जो आप कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है, वो है CS यानी कंपनी सेक्रेटरी। अगर आप BCom के बाद CS करते हैं तो आप फाउंडेशन प्रोग्राम को स्किप कर सकते हैं और डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। CS आप कर सकते हैं ICSI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया से। इसमें आपको कंपनी लॉज के बारे में पढ़ाया जाता है, इसके बाद आप किसी भी कंपनी में एज ए कंपनी सेक्रेटरी जॉब कर सकते हैं और अपना एक अच्छा करियर बना सकते हैं। और नंबर थ्री पर आ जाता है MBA। BCom पास स्टूडेंट्स के लिए MBA बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। MBA में आपको बहुत सारी स्पेशलाइजेशन करने के लिए मिल जाती हैं, जैसे फाइनेंस, HR, मार्केटिंग एट्सेट्रा। MBA करने के लिए आपको CAT, CET, CAT एग्ज़ाम को क्रैक करना होगा, जिसके बाद आप अपनी रैंक के अकॉर्डिंग किसी भी IIM से MBA कर सकते हैं। IIM से MBA करने के बाद आपका जो सैलरी पैकेज है वो लाखों रुपए से लेकर करोड़ों रुपए तक सालाना हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप MBA कौन से कॉलेज से कर रहे हैं। और नंबर फोर, आप कर सकते हैं MCom। ये 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम है जो आप BCom के बाद कर सकते हैं। MCom में भी आपको बहुत सारे स्पेशलाइजेशन मिल जाते हैं, जिसे आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं, जैसे फाइनेंस, टैक्सेशन, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, मार्केटिंग, इस तरह से बहुत से स्पेशलाइजेशन इसमें होते हैं। MCom करने के डायरेक्ट बाद आपको कई कंपनियां ऐसी हैं जो हायर कर लेती हैं और आपको डायरेक्ट जॉब मिल सकती है। और नंबर फाइव, आप कर सकते हैं BCom के बाद लॉ इन टैक्सेशन। ये आपके लिए अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि टैक्सेशन में अगर आप लॉ करते हैं तो जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं या जो भी इनकम टैक्स के दायरे में आने वाले इंडिविजुअल्स, बिजनेस, फैक्ट्रीज वगैरह हैं, उन सभी को एक टैक्स एक्सपर्ट लॉयर की ज़रूरत होती है इनकम टैक्स अपना भरने के लिए और टैक्स को अच्छे से मैनेज करने के लिए, तो आप एज ए टैक्सेशन लॉयर अपना करियर बना सकते हैं। इसके लिए आपको 3 साल का LLB कोर्स करना होगा, जिसमें आपको टैक्सेशन में स्पेशलाइजेशन करना होगा। और नंबर सिक्स आ जाता है BEd। अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना है तो आप BCom के डायरेक्ट बाद BEd कर सकते हैं। ये 2 साल का कोर्स होता है, BEd के बाद आप टीचिंग के फील्ड में जा सकते हैं और किसी भी कॉलेज में एज ए टीचर अपना करियर बना सकते हैं। नंबर सेवन पर आ जाता है CFP यानी सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग के फील्ड में जानना चाहते हैं तो CFP आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। और फ्रेंड्स, इनके अलावा और भी कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे CMA यानी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, CFA यानी चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट,
ये ऐसे कोर्सेज हैं जिन्हें करने के बाद आप एक बहुत ही अच्छा करियर अपना बना सकते हैं। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट लिखकर हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको जो साइड में बेल आइकन दिखेगा उस बेल आइकन पर भी क्लिक करना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली दूसरी वीडियो सबसे पहले आपके पास तक पहुंचती रहे। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट।